अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई चैनल कुकिंग विद शहला। आज हम मुगलई कोफ्ते, मटन कोफ्ता बना रहे हैं। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, पहले तो हम ये चॉपर लेंगे, 2 मीडियम प्याज लेंगे, 2 टेबलस्पून पुदीना, 2 बड़ी हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। प्याज अच्छी तरह चॉप हो गया है, 1/2 केजी मटन ऐड कर देंगे, 1/2 केजी मटन ऐड कर दी है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम करेंगे क्रश चिली ऐड करेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। कीमा अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। ये देखिए इस तरह का कीमा ब्लेंड हो गया है, इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये हम मुगलई कोफ्ते बना रहे हैं तो उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, ये 2 टेबलस्पून मैंने चने लिए भुने हुए, 1 टेबलस्पून मैंने खसखस ली है और 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है और 1 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर ली है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ली है और ये नारियल लिया है सूखा हुआ। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा सौते करके इसको फ्राई करें, ब्लेंड कर लेंगे। इसको पैन में डालेंगे, थोड़ा सा इसको हम रोस्ट कर लेंगे, सारी चीज़ों को इकट्ठे ही ऐड कर देंगे। इतना हम करेंगे कि बस इन चीज़ों की नमी ख़त्म हो जाए। ये अब हमने इसे सौते कर लिया है, अब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में। अब हमने जो ब्लेंड की है मिक्सचर मसाला, अब हम इसको कीमे में ऐड करेंगे, थोड़ा सा रख लेंगे। इसको हम बाद में ग्रेवी में ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह हैंड से मिक्स कर लेंगे हम इस तरह, अच्छे से मिक्स करके अच्छी तरह। और इसके हम कोफ्ते रेडी कर लेंगे। अब हम हैंड को थोड़ा सा पानी ग्रीस करेंगे पानी के साथ और हम इस तरह कोफ्ते बना लेंगे 1 by 1। आपने अगर बड़े साइज़ के आपको पसंद है तो आप बड़े साइज़ के बना सकते हैं। मैंने ये मटन में बनाए हैं, आप बीफ में और चिकन में भी इसी मेथड से बना सकते हैं। ये देखें इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ।
अब इस तरह कोफ्ते रेडी हैं। अब हम इसको कुक कर लेंगे। अब हम 2 गिलास पानी लेंगे और इसे पैन में ऐड कर देंगे और हम हाफ कप ऑयल लेंगे। और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अब पानी बॉईल होने लग गया। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। आप इसको ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे कोफ्ते हम ऐड कर देंगे। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम ये जो झाग ऊपर आ रही है इसको हम उतार लेंगे, ये इस तरह। अब कोफ्ते कोफ्ते का पानी ड्राई हो गया है और कोफ्ते रेडी हैं। अब हम इसका इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। अब हम कोफ्ते की ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। ये मैंने 2 मीडियम प्याज ली हैं और इसको मैंने ब्लांच करके ब्लेंड कर लिया है। इसका पानी ड्राई होने देंगे। अब हम आप प्याज ब्लेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका पानी ड्राई होने देंगे और फिर बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टोमेटोज ब्लेंड किए हुए ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और 1 हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे 5 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन से कवर कर देंगे। अब इसका पानी ड्राई हो रहा है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। अब हमने ऑयल ऐड करके हम इसको 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टी स्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हम इसलिए कम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने कोफ्ते में भी ऐड की है। 1/2 टी स्पून इसमें रेड चिली जाएगी। 1/2 टी स्पून ग्रीन चिली। 1/2 टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी। 1/2 टी स्पून अब हम इसमें 2 टेबल स्पून योगर्ट ऐड करेंगे, ब्लेंड किया हुआ। और इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसी तरह ग्रेवी रेडी है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे।
ये देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। अब हमने जो कोफ्ते रेडी किए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए हो तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें जो कोफ्ता मसाला रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और फ्लेम लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। मटन कोफ्ता अब रेडी है। ये देखें, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी हो तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, अगर आपको कम रखनी हो तो इसे आप कम भी कर सकते हैं। कोफ्ते अब रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।